एक बैम्बू में हो गया है। ये वाला सब्जी जो है यहाँ पे फ्री मिलता है, इसलिए मैं पूरा तोड़ तोड़ के लेके जा रही हूँ। ओ बकरे, हम सभी लोग जो है डिनर कर रहे हैं। ये देखो रात बहुत हो चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। सुबह उठते ही मैं लम्बू के लिए और मम्मी जी के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। दीदी लोग तो बहुत लेट करके करते हैं, सीधा वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं लंच करते हैं 11 बजे या 12 बजे वैसे। तो हम लोग का तो आदत है सुबह 8:30 बजे तक हमें खाना चाहिए होता है। ये देखो मैं यहाँ पे आलू बॉयल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फर्मेंटेड बैम्बू शूट दूंगी और चावल तो हो गया है। ये देखो किचन साइड इस साइड में है नीचे फ्लोर पे, और ऊपर फ्लोर पे जो है मम्मी लोग और वो छोटा बच्चा दोस्त था ना उसका मम्मी और वो छोटा बच्चा रहते हैं। तो अभी दिखा देती हूँ इसे जाते हैं। देखो सीढ़िया कुछ इस तरह का है। ये देखो ये है सेकंड फ्लोर, यहाँ पे पूरा फंका वंका चल रहा है। यहाँ पे वो लोग रहता है और यहाँ पे मम्मी का और पापा का रूम है, और यहाँ पे थर्ड फ्लोर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है ना। ये देखो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बोलो। ए शर्मा गया, देखो लम्बू भी उठ चुका है, यहाँ पे फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गया, मैं तो हाँ ब्रेकफास्ट बना रही थी। बदन दर्द हो गया मेरा। अच्छा हाँ, क्या बोलेगा, रास्ता ही खराब है। मेरा मौसी का छोटा बेटा देखो पूरा जवान हो रहा है, और मम्मी तो यहाँ पे देखो चावल सफा कर रही है। ये देखो प्रीति भी वहाँ पे, ये मेरी छोटी बहन है, आप लोग तो जानते ही होंगे, वो लोग अरुणाचल पे भी गया था। और यहाँ पे आगे घर का आगे में देखो क्या हाल हो गया, रे बाबा ये देखो रास्ता पूरा खतरनाक हो गया। दरअसल ये आंगन साइड है, यही मेन रास्ता है, ऐसे जाता है, पूरा बारिश के टाइम पे पूरा खराब हो चुकी है। और वहाँ पे मेरी सेकेंड दीदी का घर है, तो थोड़ा देर बाद मैं भी दिखा दूंगी। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसे खत्म कर लेती हूँ, है ना। मेरी साली साहिबा बोल रही है बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। अच्छा हाँ, मेजो की तरह दिख रहा है ना, मेजो की तरह दिख रहा है ना, मेरे साथ हाँ, ये बोल रही है बिल्कुल मेजो लड़का जैसा लग रहा है, टोपी लगा के नजर न लगे। ये देखो बाबू का झूला जो है अभी मैं रेडी कर रही थी, पूरा हंस रहा है, देखो स्माइल दे रहा है। और यहाँ पे मेरा सेकंड दीदी का छोटा बाबू, ये देखो ओ हाँ देखो झूलो, हाँ अच्छा से, ऐसे नहीं बाबा, ऐसे हाँ, ऐसे रस्सी को थान थान के ऐसे अली 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 रे, देखो लोरी सुना रहे, हंस रहा है, वाह हंस रहा है, ओ बापरे। तो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बना दिया था। ये देखो क्या क्या सब्जी है यहाँ पे, आज ये बॉयल की थी आलू और बैम्बू शूट, परमानेंट बैम्बू से लाया हुआ, हाँ बैम्बू शूट, यहाँ के लोग नहीं खाते, हाँ यहाँ के लोग नहीं खाते, तो हम लोग खाएंगे और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पापा लोग तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि उन लोग का आदत नहीं है सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट करना, वो लोग तो सीधा दोपहर को लंच कर लेते हैं, तो हम लोग का तो आदत बन चुका है, तो अभी हम तीनों ही खाएंगे, है ना मम्मी। हाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों मैं नहा धो के अभी एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, कपड़े वॉश की थी, इतना ज़्यादा कपड़े वो देख सकते हो उधर में दिया है। यहाँ पे जो है पापा नया घर बना रहा है, अभी तक बहुत बाकी है कंप्लीट होने, यहाँ पे भी दे दिया है, यहाँ नीचे पे भी, क्योंकि यहाँ पे ना जगह जिसका भी होने से वो थोड़ा कमती होती है, बहुत ही पहाड़ है, मुश्किल है, तो इसे साइड में इसे देनी पड़ती है। जब ये नया घर बन जाएगा फिर थोड़ा सुकून आराम करके रह पाएंगे। यहाँ पे बहुत नीचे में दिक्कत है बारिश देने से, पूरा पानी, वहाँ पे एक फिश पॉन्ड है, और वहाँ पे भी इस साइड में भी एक तो है, ये जीजा का घर है, सेकंड जीजा का, और बड़े जीजा जो है पापा लोग के साथ एक ही घर में रहते हैं। तो फिलहाल अभी जाती हूँ, मेरे कपड़े जो है अच्छे से सूखेंगे, फिर हम लोग कहीं और जाएंगे घूमने के लिए, तो अब लोग को दिखाऊंगी। वाह या इधर देखो पूरा गड्ढा ही गड्ढा, ये देखो बाहर से कुछ इस तरह का है, बहुत ही गर्मी है, ऊपर में टीना है ना, और कुछ सेलिंग वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, देखो पूरा जब तक लाइट रहेगा तब तक सुकून करके रह पाते हैं। यहाँ पे हम लोग का कमरा, ये देखो लम्बू सो रहा है यहाँ, और यहाँ पे सिटिंग रूम, ये देखो यहाँ पे पूरा फैन ऑन करके, क्या हुआ इतना जोर जोर से बारिश दे रही है दोस्तों, ये देख सकते हो पूरा पानी ही पानी। कपड़े को मैंने यहाँ पे रख दिया है, सूख गए हैं थोड़ा थोड़ा, पर जीन्स वगैरह जो है अभी तक अच्छे से नहीं सूखा है, और लम्बू का जूता भी नहीं सूखा है, तो कोई बात नहीं, पतला पतला वाला है,
आपको मैं अच्छे से रख दूंगी। पर बाहर में बहुत खतरनाक से बारिश दे रही है, ये देखो अभी बारिश रुक गई है दोस्तों। बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, दीदी वहाँ पे पानी भर रही है बोतलों पे, और मैं अभी सेकेंड जीजू का घर पे जा रही हूँ। ये देखो वहाँ पे एक तो लौकी का साग है, और यहाँ पे सभी लोग जो है पानी को ऐसे जमा करके रख देता है क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। ये देखो जीजू का घर, वाह, वेलकम बोलो, वेलकम वेलकम। ये देखो लौका लुक्का पी रहा है यहाँ, वाह। और ये तो यहाँ पे खाना खाएगा, यही में खाए पड़ी। का सब्जी है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या मीट है, ये आलू और अंडे। अच्छा मैं भी खाऊंगी अभी। ये देखो ये जीजू का पापा है। सेकंड दीदी का घर पे तो खाना खा लिया है दोस्तों, अभी फिर से डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी। शाम होती जा रही है, ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और यहाँ पे देखो पापा का घर। और अभी मुझे जो है सबके लिए डिनर बनानी पड़ेगी, है ना? सभी लोग खाएगा ना, है ना? खाएगा 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 हो। आज देखो बम्बू के साथ पोर खिलाना है इसको, है ना? किचन पे आ चुकी हूँ दोस्तों, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखो दो दो कटोरे पे पोर्क रख दिया है पापा ने, तो अभी ये जो पोर्क है ना मैं यहाँ पे में पकाऊंगी। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स देना पड़ेगा वो सब अभी रेडी कर देती हूँ। सबसे पहले मिर्चा खोटना पड़ेगा, ये देखो ये मिर्चा को जो है यहाँ इस पे खोटना पड़ेगा। यहाँ का ओखली देखो कुछ इस तरह का है, और एक और भी है, ये क्या बोलेगा, ये एल्युमिनियम का है। ये देखो ये थोड़ा सा इसमें चेंडा हो गया, ये बहुत साल का है, ये जब मैं 6 साल 7 साल उम्र में थी ये पापा ने आइजोल से खरीदा था। अभी फिलहाल मैं अभी इसमें मिर्चा खोदूंगी, ये देखो। और यहाँ पे देखो सेकंड दीदी का छोटा बेटा, और ये बड़ा बेटा रागेम, और ये बिल्लो सिबिल, बिल्लू बिल्लू है इसका नाम, हम लोग प्यार से बिल्लू बुलाते हैं। तो प्याज खाते थे, इतना आंसू आ रहे ना, पूरा आंसू है, जल रही है। तो मैंने मिर्च भी रेडी कर दिया है, प्याज भी काट के रख दिया है, तो बस यही देना है। तो अभी मिक्स करती हूँ यहाँ पे, चलो कैमरा वोमैन। यहाँ पे मैंने दे दिया है प्याज, हल्दी, नमक और ये ग्रीन चिल्ली। अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल दे दूँगी, ज़्यादा नहीं, हो गया। अभी इसको मिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे हाथों से करूँगी, हाथों से मजा है, मैंने हाथ को पहले से वॉश किया था। ये देखो कैसा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, टेस्टी होगा कि नहीं? टेस्टी होगा, देखने से भी लग रहा है। अच्छा मेरे हाथों का पहले इतना, ये लोग पूरा वीडियो में देख देख के मुंह पे पानी आता था, अभी देखो रियल में खाने को मिलेगा। जब मैं घर पे थी जमाने का टाइम पे, उस टाइम में खाना पकाती नहीं थी, खाना पकाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बोरिंग लगती है। तो अभी देखो शादी करने के बाद अभी जब भी मैं खाना बनाती हूँ तभी थोड़ा टेस्ट आती है मुंह पे। देखिए दोस्तों सब कुछ मैंने दे दिया है, मिक्स भी हो गई है। अभी जो है ये बेम्बू को देना पड़ेगा, ये देखो बेम्बू डालना पड़ेगा यहाँ, खुशबू आ रही है, खुशबू ज्यादा हो जाएगा क्या? ये देखिए दोस्तों पूरा एक बेम्बू में हो गया है। तो अभी इसको पकाना पड़ेगा, ये तो पूरा खाने में रेडी है, चलो आ जाओ। बेम्बू में दक्कन के लिए यहाँ से काट के लेके जाना पड़ेगा, ये देखो हम लोग इसे कहते हैं पेटे फता, जो लोकल बिस्किट बनाते हैं ना यही पत्ता है। तो अभी इसे काट लेती हूँ, एक हाथ से तो कैमरा पकड़ के रखी हूँ, पता नहीं कैसे काटूंगी, तो अभी कैमरे को ऑफ करना पड़ेगा। मेरी बहना मुझे हेल्प कर रही है आग को जलाने में, तो ये पोर्क को यहाँ पे पकाना पड़ेगा। तो चलो मुझे दे दो, हो गया क्या? दे दिया है यहाँ पे, देखो आग एकदम अच्छे से जल रही है, ये लगभग लगेगा एक घंटा या आधा घंटा ऐसा लगेगा। तो हम लोग अभी फिर से दूसरी सब्जी तोड़ेंगे, चलो। ये देखो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ये सीध दिखाई दिया है, हम लोग इससे बहुत खाते हैं ना, ये देखो मिदे बेगो बहुत ही टेस्टी है। तो अभी मैं तोड़ लेती हूँ। ये
ये देखो इतना ज्यादा, और भी है, इसको एक साथ में रखना पड़ेगा। ओ इसमें भी है, ये देखो नीचे पे, नीचे नीचे में। फिर से हम दूसरी जगह पे आए हैं, यहाँ पे जो है ये मेरी वाली जगह है, ये पापा ने मुझे दिया था इस साइड का, उस साइड में तो पापा का है और ये मेरी बहनों का, पता नहीं किस किस का बात दिया है। तो मेरा वाला जो है यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड होके खत्म, और यहाँ पे देखो एक नया नया हाई स्कूल बन रहा है, तो हम लोग उस साइड में तोड़ेंगे सीट। वाह ये तो गिरने वाली थी, चलो चलो मजा आ रही है। अरे कहाँ ला दिया, रास्ता ही नहीं है। लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये देखो पेड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तीन तो है, तो अभी तोड़ लेते हैं ना। देखो यहाँ का नजारा कुछ इस तरह का दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है। दीदी फिर से तोड़ रही है, देखो अभी इधर में फ्री मिलता है, ये वाला सब्जी जो है यहाँ पे फ्री मिलता है, इसलिए मैं पूरा तोड़ तोड़ के लेके जा रही हूँ। कितना हुआ है देखो, बहुत ज्यादा हुआ है ना। और मैं तो खाती नहीं हूँ, पता नहीं है कैसा है, खाते नहीं। दीदी लोग खाता है, अच्छा है बोलता है। हमने तोड़ लिया है दोस्तों, ये देखो ये सीट को जो है मैं डंडे को ऐसे निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में पकाऊंगी टेस्टी टेस्टी करके। मैंने सीट को भी तोड़ तार के रख दिया है, वॉश भी कर लिया है, अभी इसमें श्रिम्प पेस्ट का पानी दे दिया है, पकाऊंगी इसका लास्ट सब्जी, यही बचा हुआ है, तो सब कुछ रेडी हो चुका है। और यहाँ बिल्कुल किचन का बगल पे देखिए दोस्तों, इतना बड़ा फिश पॉन्ड, यहाँ पे जो है बहुत ही बड़े बड़े मछली है, बहुत ही नीचे पे है, तो पापा ने जो था वो क्या बोलता है कोबेल को से खोदा था बहुत ही लंबा करके। यहाँ पे एक तो बन गया है, ये बारिश का पानी है, इसमें भी मछली है, ये ऐसे लाइन करके जाता है इससे, ये देखो। और यहाँ पे है घर, डेंजर कोई लोग तो देख के डर जाएगा, ये देखो ऐसे ही है यहाँ का घर, मिजोरम का घर गांव में। और दीदी यहाँ पे बर्तन वगैरह को वॉश कर रही है, और नीचे पे जो है ना, यहाँ नीचे पे ये क्या बोलेगा, आंगन बोलेगा, यहाँ पूरा हांस ना क्या कहते हैं, डक वगैरह बहुत सारे है, और बकरी वगैरह भी इतना ज्यादा है, पूरा अलग ही घर है। मैंने डिनर बनाने के बाद दोस्तों नहा भी लिया है, अभी हम लोग का डिनर की टाइम हो चुकी है, बहुत भूख लग रही है। ये देखो मम्मी और दीदी निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो सब्जियाँ जो मैंने तोड़ के लेके आया थी ना, ये मिदे बेगुल बीजी हम लोग बहुत खाते है। और यहाँ पे पानी कुमरा और वहाँ पे एक्स्ट्रा करके रख दिया है, और लेमो कहाँ गया, बेम्बू वाला ओ यहाँ पे रख दिया, ये देखो बेम्बू वाला अभी तक निकला नहीं, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ओ बकरे हम सभी लोग जो है डिनर कर रहे हैं, ये देखो रात बहुत हो चुकी है, सदर जो है खाना नहीं खाएगा, वो बस यहाँ पे मम्मी पापा प्रीति और मम्मी दीदी बड़ी दीदी है ये, और ये सेकंड दीदी का बड़ा बेटा, और यहाँ पे लम्मो मैं सबसे बड़ा बेटा। हाँ तो अभी मैं भी खा लेती हूँ, खा रही हूँ ऑलरेडी खा चुकी हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या बोलेगा लम्मो, इसे क्या बोलेगा, पोर्क का हेड है ये देखो बॉयल। हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है दोस्तों, अभी बस थोड़ा फिर से गप्पे सप्पे मारते हैं, है ना, ये देखो हाँ गप्पे सप्पे लगाएंगे और रेस्ट भी करेंगे, जल्दी सोना भी है, वीडियो एडिट भी करना है मुझे, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है ना यहाँ, तो जीजा का घर पे और भी जाऊंगे घूमने के लिए, बहुत मजा है उन लोग का घर पे, पूरा ठंडा है हम लोग का, हाँ यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी बिस्तर पे आ चुकी हूँ दोस्तों, और ये ब्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को, पूरा इतना जोर से नींद आ रही है, मैं जैसे तैसे वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो बाय बाय दोस्तों।